फेंग शुई में लाफिंग बुद्धा की महत्वपूर्ण भूमिका है। अलग अलग प्रकार के लाफिंग बुद्धा अलग अलग फल देने वाले होते हैं। ऐसे में आपकी हर इच्छा को पूरे करने की क्षमता रखते हैं लाफिंग बुद्धा। किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए घर दुकान में किस तरह के लाफिंग बुद्धा रखना चाहिए, इस बात का बहुत ज्यादा महत्व होता है। कई अलग अलग प्रकार और आकार वाले लाफिंग बुद्धा उपलब्ध हैं। ऐसे में आपके लिए कौन से लाफिंग बुद्धा सही हैं, यानी कौन से लाफिंग बुद्धा किस मनोकामना की पूर्ति करता है, आज हम आपको बताते हैं। जानिए अलग अलग तरह के लाफिंग बुद्धा की खासियत। एक, लेटे हुए लाफिंग बुद्धा। लेटे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करने वाली मानी जाती है। अगर हर काम में असफलता और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ रहा हो तो घर दुकान में लेटे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखना अच्छा होती है। इससे धीरे धीरे दुर्भाग्य खत्म होने लगता है। आगे की स्लाइड्स पर जानने अन्य 9 प्रकारों के बारे में।